नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रविवार को भले सीएम नीतीश ने राजद का साथ छोड़ एनडीए में आकर सरकार गठन कर लिया है, लेकिन अभी भी सरकार को विधानमंडल में बहुमत साबित करना है। ऐसे में इस बहुमत साबित करने से पहले मांझी ने एक बड़ी मांग की है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि मुझे इस नई सरकार में एक पद मिला है, यह काफी अच्छी बात है, लेकिन यह हमारी मांग थी कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए। यह पद मिले तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से एक और मंत्री बनाया जाए। हम चाहते हैं कि अनिल जी को भी मंत्री बनाया जाएगा। मैंने इसको लेकर अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 फरवरी की तारीख दी थी। आज सुबह जब सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। इस पर हेमंत सोरेन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि ये सीएम का मामला है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जज की पीठ ने कहा कि अगर एक के लिए ऐसा करेंगे तो फिर सबके लिए करना पड़ेगा, इसलिए हाईकोर्ट जाएंगे। बिहार के डीएलएड कॉलेजों में इस साल दाखिले के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड कोर्स के सत्र 2024-26 में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा अधिसूचना जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा आज यानी शुक्रवार 2 फरवरी को जारी बीएससीबी डीएलएड नोटिफिकेशन 2024 के अनुसार कैंडिडेट्स निर्धारित अंतिम तिथि 15 फरवरी तक अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। एक्ट्रेस पूनम पांडे की अचानक मृत्यु ने सभी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसमें उनके मृत्यु की खबर की पुष्टि की गई है। पूनम पांडे की उम्र सिर्फ 32 साल थी। इंस्टाग्राम पोस्ट में पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर में पीड़ित बताया गया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने उन्हें खास अंदाज में बर्थडे विश किया है। उन्होंने लिखा है कि हैप्पी बर्थडे माय फेवरेट बॉय जुबली स्टार सांसद जी, हमेशा खुश रहिए, दीर्घायु रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए, सरल रहिए और अपनी अच्छाई से ऐसे ही हमेशा हर क्षेत्र में और सबके दिलों पर एकत्र राज करिए। वीडियो में आम्रपाली और निरहुआ के बीच भरपूर रोमांस देखने को मिल रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन का स्थान लिया, जिन्हें बुधवार शाम प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। पीटीआई के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह दोपहर करीब 12:15 पर रांची के राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित हुआ था। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद 5 दिनों से विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। बिहार के भाजपा नेताओं संग नीतीश कुमार की हुई तमाम बैठक में कोई फैसला नहीं हो सका है। ऐसे में अब फैसला नई दिल्ली से किए जाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के दूत बनकर पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं, जहां विभागों के बंटवारे को लेकर अटकी पेच को खत्म करने की चर्चा हुई है। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उसे कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। व्यास तहखाने में पूजा होती रहेगी और मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। तब तक के लिए पूजा पर रोक नहीं है। 6 फरवरी को ही वाराणसी के जिला अदालत की एसआई की रिपोर्ट पर भी सुनवाई होगी। वहीं हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने को कहा है, साथ ही साथ निर्देश दिया गया है कि कोई नुकसान या निर्माण नहीं होना चाहिए। रेलवे अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के वीडियो को पीएम मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ब्लॉक करने का फरमान यूट्यूब को दिया है। मामला यूं है कि रेलवे के निचले स्तर की नौकरियों के लिए ज्यादातर गरीब घर से आने वाले नौजवान नौकरी करते हैं। सरकार ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे चालकों की 6 साल बाद भर्ती निकाली है और वह भी महज 5,696 पदों पर ही। इसके विरोध में 30 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में रेलवे की तैयारी करने वाले हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर आ गए और रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी बढ़ाने की मांग करने लगे। नए साल की पहली बर्फबारी के बाद शिमला में शुक्रवार को मौसम तो खुल गया, लेकिन दुश्वारियां बढ़ गई हैं। सुबह शहर के सर्कुलर रोड सहित उपनगरों की कई सड़कें बर्फ जमने से फिसलन भरी हो गई हैं। सुबह शहर में बसों की आवाजाही ठप रही, लोग पैदल ही गिरते फिसलते अपने गंतव्य तक रवाना हुए हैं। खलीनी से टॉलैंड, छोटा शिमला हिमलैंड लिफ्ट मार्ग व लक्कर बाजार की सड़कें बर्फ जमने से सीसा बन गई हैं। इस कारण वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकी, लोग धक्का लगाकर गाड़ियों को निकालने का प्रयास करते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ समय से अपनी पार्टी से खफा चल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। मोदी से मुलाकात के बाद उनकी बीजेपी से नजदीकी के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं मोदी जी से पहली बार मिला हूँ,
मुझे कहने से कतई संकोच नहीं है कि पीएम के ऊपर निश्चित ही कोई दैवीय शक्ति की कृपा है। उनसे मिलकर जो अनुभूति हुई है उसके बाद मैं कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे के समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सपा जल्द ही और प्रत्याशी घोषित करेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकती है, इस पर यादव ने कहा कि दोनों पार्टियां पहले ही एक समझौते पर पहुंच चुकी हैं। हमने 16 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, हम कुछ दिनों में और सीटें घोषित करेंगे। कांग्रेस और सपा उत्तर प्रदेश में अंतिम समझौते पर पहुंच गए हैं। भारतीय वायुसेना भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान में 17 फरवरी को वायु शक्ति अभ्यास करके अपने युद्धक तथा प्रहार क्षमताओं को प्रदर्शित करेगी। इसमें कुल 77 लड़ाकू विमान, 41 हेलीकॉप्टर, 5 परिवहन विमान और 12 मानव रहित प्लेटफॉर्म भाग लेंगे। लड़ाकू विमान राफेल और प्रखंड हेलीकॉप्टर पहली बार देश के भीतर होने वाले अभ्यास में हिस्सा लेंगे। सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणाली समर का भी पहली बार इस अभ्यास में इस्तेमाल किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि अक्सर हम लोग सुना करते थे कि बीजेपी चुनावों में गड़बड़ करती आ रही है, वोटों की चोरी करती है, ईवीएम में हेरा फेरी करती है, फर्जी वोट पड़वाती है। अब देश की सबसे बड़ी पार्टी वोटों की चोरी करते हुए पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ऊपर वाला धरती पर आता है। इनके पाप का घड़ा भर गया है, अब भगवान इन पर झाड़ू चलाएगा। स्टाफिंग कंपनी और कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि अंतरिम बजट में ईवी निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करने के वादे के कारण आने वाले वर्षों में देश के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में नौकरियों को बढ़ावा मिल सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि इसमें ईवी के उत्पादन और अपनाने में मदद मिलेगी, इस क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। टीएमजी सर्विसेज के सीईओ कार्तिक नारायण ने कहा कि अगले 4 से 5 वर्षों में लगभग 2.5 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होने की संभावना है। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के 99 शहरों का अध्ययन करने के बाद कहा है कि तटीय शहर पहले के आकलन से कहीं ज्यादा तेजी से डूब रहे हैं। बढ़ते समुद्र जल स्तर के कारण आने वाले 50 सालों में कई शहरों के डूब जाने की आशंका है, लेकिन एक ताजा अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ शहरों के डूबने की रफ्तार समुद्र के जलस्तर के बढ़ने से भी ज्यादा है। ऐसा इन शहरों में जमीन धंसने से हो रहा है। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया कंपनी ने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर शुरू किया है। इस सेल का नाम है नमस्ते वर्ल्ड सेल। इस ऑफर में 1799 रुपए से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट की टिकट शुरू होगी। बता दें कि यह सेल केवल 4 दिन के लिए खुली है। इस सेल का लाभ 2 फरवरी यानी कि आज से 5 फरवरी तक ही मिलेगी। इस सेल का लाभ उठाकर ग्राहक 2 फरवरी से 30 सितंबर 2024 तक के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। हुतियों का हमला हो या समुद्री लुटेरों का आतंक, दुनिया भारतीय नौसेना का पराक्रम देख रही है। पिछले साल जब इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई तब से समुद्री सुरक्षा खतरे में है। यमन के हुती विद्रोहियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। ग्लोबल ट्रेड का 12% इसी रूट से होकर गुजरता है तो पूरी दुनिया के लिए संकट उपजा। ऐसी स्थिति में भारत ने संकट मोचक के रूप में आगे आकर सब कुछ संभाला है। हुतियों को हैंडल करने के लिए नवंबर में 3 गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयड और टोही विमान भेजा गया। कई जहाजों को बचाया गया। हिंद महासागर में भी जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाने में भारतीय नौसेना लगातार लगी है। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा कर भारत खुद को ग्लोबल पावर के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। जगतगुरु रामभद्राचार्य की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है जहां पर उनका इलाज शुरू हो गया है। बताया गया है कि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्थिति अब ठीक है। चेस्ट में इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती किया गया है। वित्त बजट पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी शुक्रवार को मोदी सरकार पर जोरदार तंज कसा। दरअसल डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वित्त मंत्रालय के एक कर्मचारी ने मुझे लोकसभा में रखे गए बजट पर मेरी प्रतिक्रिया पूछने के लिए फोन किया था। मैंने उनसे कहा जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अर्थशास्त्र में अनपढ़ हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पिछले कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने अब बजट को लेकर भी पीएम मोदी को अर्थशास्त्र में अनपढ़ करार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की हैं। सरकार आम ट्रेनों की बोगियों को अपग्रेड कर वंदे भारत के स्तर की बनाने की तैयारी कर रही। रेल के इतिहास में पहली बार 40,900 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश अंतरिम बजट में देश में 3 नए समर्पित रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है।
अमृत चतुर्भुज नामक कॉरिडोर देशवासियों को सेमी हाई स्पीड पर तेज सुरक्षित रेल सफर मुहैया कराएगा। वहीं एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर व रेल सागर कॉरिडोर टाइम टेबल से माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगा। पाकिस्तान ने मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू से वादा किया है कि वह इस द्वीपीय देश की मदद करेगा। पाकिस्तान ने गुरुवार को मालदीव को आश्वासन दिया कि वह विकास की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। पाकिस्तान ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया जब भारत ने राजनयिक तनाव के बाद मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को 22% घटा दिया है। भारत अगले वित्त वर्ष में 600 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मालदीव को देने जा रहा, जो पहले के मुकाबले 170 करोड़ रुपए कम है। इसके बाद मोहम्मद मुइजू अब पाकिस्तान की शरण में पहुंचे हैं। खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के एक सहयोगी के घर पर कई राउंड गोलियां चलाई गई। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर में हत्या कर दी गई थी। कनाडाई मीडिया ने जिस घर को निशाना बनाया गया उसके मालिक की पहचान सिमरनजीत सिंह के रूप में की है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन फरवरी में होगा। इसके उद्घाटन से पहले अधिकारियों ने कहा है कि मंदिर का आधार सहिष्णुता और सद्भाव है। यह गुलाबी बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना है, जिसे बनाने में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। 14 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एक समारोह में इसका उद्घाटन किया जाएगा। मंदिर का निर्माण बीएपीएससी स्वामी नारायण संस्था ने किया है। संस्था ने इसे यूएई और उसके नेताओं और लोगों के खुलेपन और समावेश का संकेत बताया है। दिल्ली शराब घोटाले में एक मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी द्वारा की जा रही है। ईडी के अधिकारी इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन वह पेश नहीं हो रहे। ईडी द्वारा दिए गए पांचवें समन पर भी केजरीवाल ने पेश होने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की योजना है, जिसके चलते उन्हें बार बार समन भेजा जा रहा है। ईडी ने बुधवार को केजरीवाल को नया समन भेजा था। यह जांच एजेंसी द्वारा दिया गया पांचवा समन है। दिल्ली के सीएम का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत को एक्सिस MQ-9B ड्रोन बेचने के सौदे को मंजूरी दे दी है। पेटांगन ने इस बात की जानकारी दी है कि संभावित सौदे में भारत को मानव रहित विमानों के साथ साथ उनमें लगने वाले मिसाइलें और दूसरे उपकरण भी बेचे जाएंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत और अमेरिकी के बीच कई सालों से करीब $4 अरब के सौदे पर बात चल रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चल रही जांच में एक साल तक कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाता है तो ईडी को उसकी जब्त की गई संपत्ति लौटानी होगी। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यदि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत जांच अपराध से संबंधित किसी भी कार्यवाही के बिना 365 दिनों से अधिक दिनों तक जारी रहती है तो जब्त की गई संपत्ति संबंधित व्यक्ति को वापस कर दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इंडिया गठबंधन के दलों के बीच खींचातान देखने को मिली। एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस ने न्याय यात्रा से दूरी बनाए रखी, तो वहीं गुरुवार मुर्शिदाबाद में CPIM ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कदम ताल मिलाया है। लेकिन यह बात TMC को रास नहीं आई और उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की है और भाजपा के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। CBI ने शुक्रवार यानी 2 फरवरी सुबह लगभग 8 बजे पूर्व IAS अधिकारी और मानवाधिकारी कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर और कार्यालय पर छापा मारा है। CBI के चार लोग दिल्ली के वसंत कुंज स्थित उनके घर और दक्षिणी दिल्ली के ही अधचिनी में उनके दफ्तर पहुंचे थे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले राज्यसभा सांसद और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल के शो दिल से को स्पेशल इंटरव्यू दिया। इसमें उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कई बातें कही हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, जितेंद्र ठाकुर, रविशंकर, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, धनंजय कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार के बजट में आपके लिए क्या खास रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।